का मामला सामने आया जिसमें बदमाशों ने नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। आरोपियों ने कई विभागों में सरकारी नौकरी के नाम पर पैसे वसूले हैं। फिलहाल पूरे मामले में रायपुर पुलिस ने 5 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर की निवासी तीर्थबाई भारद्वाज नौकरी की तलाश में थी और उन्हें 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच श्रुति शर्मा और काव्या वर्मा नाम से 2 अलग अलग नंबरों से फोन किया गया जिसमें पीड़िता को इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगवाने की बात कही गई। इसके बाद तीर्थ ने अलग अलग किस्तों में 46,000 रुपये भेज दिए। पैसा भेजने के बाद कुछ दिनों तक जब पीड़िता को किसी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और ना ही रिप्लाई आया तो ठगी होने के बाद उन्होंने मामला दर्ज कराया। प्रार्थी आए तीरथ भाई भारद्वाज, उन्होंने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके साथ नौकरी लगाने के नाम पर 46,600 रुपए की ठगी हुई है। जो ठग लोग हैं उन्होंने उन्हें इंडिगो विभाग में नौकरी लगाने का झांसा दिया था, जिस पर थाना कोतवाली में 420 का मामला दर्ज किया गया था और उसमें एक टीम लोकेशन के आधार पर दिल्ली रवाना की गई थी और दिल्ली पर एक कॉल सेंटर पर हमारी टीम ने रेड की, वहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आरोपियों से 8 नग एटीएम कार्ड, 12 मोबाइल फोन और बहुत सारे सिम भी जब्त किए गए हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसमें एक आरोपी के खिलाफ जो है सीबीआई में भी एक केस रजिस्टर्ड है जिसमें उसकी जांच भी चल रही है और लगभग 6 माह से ये लोग इस तरह से ठगी करने का काम कर रहे हैं।